I like you. क्या हुआ? समझ नहीं आई? अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो लगा ही होगा, मैं बाकी समझा देता हूँ. वो रिमेम्बर जब वी मेट फर्स्ट टाइम ऑफिस, तुम मेरे ऑफिस में आई थी, रिमेम्बर? मॉडलिंग के असाइनमेंट के लिए क्या कहा था तुमने मुझे? मैं तुमसे लंबी हूँ, तुम छोटे हो. मेरे को मेरे ऑफिस में आके मेरी बेइज्जती करके चली गई. मैं तुमसे कोई हाइट वेट में कम नहीं हूँ. देख गया, मैं तुमसे लंबी हूँ. ओ हेलो, अब तो ये साबित हो गया ना कि तुम झूठे भी और शॉर्ट भी. वाओ. और उसके बाद क्या हुआ था मेरे घर पे? क्या हुआ था मेरे घर पे याद है? तुमने मुझे सफेद बुत बना के खड़ा कर दिया था. ट्विंग ट्विंग पेंट गिरा था, याद है? हाँ, हंसो हंसो, जोर जोर से हंसो. नहाया मैं था, मुझे याद है, अच्छे से याद है. मैं उसी दिन समझ गया था, उसी दिन समझ गया था कि तुमने बड़ी नटी है, बड़ी शरारती है, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा. मैंने कोशिश करी, मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं क्या करूं? जाने मन, मैं क्या करूं? धीरे धीरे, होले होले, तुम मुझे अच्छी लगने लगी. तुम मुझे इतनी अच्छी लगने लगी कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा. अब इतना लाइक करने के बाद भी तुमने मेरा इतना दिमाग खराब किया, इतना दिमाग खराब किया. हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? गलती तुम करती हो, गलत मैं दिखता हूँ. सॉरी तो तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें. लेकिन सॉरी कौन बोलते हैं? सैमी. सॉरी सृष्टि, सॉरी सृष्टि, गलती होगी. सॉरी सृष्टि, सॉरी सृष्टि. तुम्हें सराखों पर बिठा के रखता हूँ, सराखों पर, तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता हूँ, मजनूओं की तरह घूमता रहता हूँ. तुम मुझे नोटिस करोगी, मुझसे कुछ बोलोगी. सृष्टि, तुम पूछोगी नहीं ये सब मैं क्यों करता हूँ. आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ. और ये मत पूछना कि जनाब जनाब क्या हाल है. हाल मेरे बेहाल है, मुँह पे गुलाल है. सृष्टि, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ. आई रियली लाइक यू. वो लाइकिंग का लेवल पता ना क्या है, बहुत ज़्यादा. तुम्हारी हाइट से भी ज़्यादा ज़्यादा है. आई रियली लाइक यू सृष्टि. और लाइकिंग से ऊपर वाला लेवल समझती हो ना? लाइकिंग से ऊपर वाला लेवल समझो ना. वो पता है ना. लाइकिंग से ऊपर मैं तुझे कंपनी बाग लेके चलती हूँ. वहाँ बहुत बड़े बड़े झूले हैं. झूला झूलेंगे, तुझे गाने सुनाऊंगी, आइसक्रीम भी खिलाऊंगी. हैं? चल. लेकिन किधर है कंपनी बाग? उधर है, उस तरफ. उधर ये जहाँ देखो अरोराज ही दिखाई देते हैं. लोकल पब्लिक कहीं की. और बीजी ये क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? मैं भी ढूंढती हूँ. क्या ढूंढ रहे हो? अपना चेहरा. नहीं समझी? आईना. क्यों? अरे आईना इसलिए ढूंढ रहे हैं कि पता करे इस घर में कितने हैं जिनमें तू अपनी शक्ल देखती है, और फिर तुझे अपनी शक्ल की जगह जनरल पब्लिक यानी अरोड़ा नजर आते हैं. एक बात पूछूं? हाँ. आपने पी रखी है ना? मैंने? तौबा तौबा. मैंने नहीं पी. लगता है आपने पी रखी है. हम तो पीते शीते नहीं है. ये तो बड़े लोगों का काम है. हम तो पब्लिक हैं. हाँ. और ये पब्लिक है सब जानती है. आपने भी पी रखी है जानकी जी. अब तो पक्का हो गया कि तूने पी रखी है, तभी तो जानकी को जानकी जी कह रही है. नहीं पीजी, आपकी उम्र हो गई है. मैंने इनको जानकी जी नहीं, नानकी, क्या नाम है इसका? जानकी कहा. की जी बोला. बोला. अरे रब्बा, मैं भी करीना जी, नहीं नहीं मीना जी, नहीं नहीं नानी बुलाऊंगी. कुछ नहीं बुला, जो बुलाना है बुलाओ. हाँ, हाँ. तो मैं ऐसे पकड़ूंगी. छुना नहीं, छुना नहीं,
सामने मैं तेरे सामने तुझे देखूं के प्यार करूं। आप लोग प्यार कर रहे हो? हाँ, आपको क्या हो गया भाभी? आपको ऐसा लग रहा है हम प्यार कर रहे हैं? रियली नहीं, ये लोग झगड़ा कर रहे हैं बीजी। करेक्ट, फर्स्ट टाइम यू राइट। रॉन्ग दीदी, रॉन्ग। झगड़ा करना वेरी रॉन्ग, बहुत बुरी बात होती है ना? झगड़ा करना। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो जानकी जी को भी, बीजी को भी, सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को भी सॉरी बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आईना किधर है? आईना? हाँ, पहले अपने आप को सॉरी बोलूंगी। आईना किधर है? मुझे आईना चाहिए। आईना चाहिए। भाभी रोई है मत, आप रोएंगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगी। आईना ढूंढ के ला दे। प्लीज मेरे लिए आईना ढूंढो, प्लीज मुझे आईना चाहिए। आईना चाहिए? मिल गया भाभी। मिल गया? हाँ। कहाँ? आपकी फेवरेट प्रीता के रूम में। वो पूरे दिन रेडी होती रहती है करण को इम्प्रेस करने के लिए। उसके रूम में आईना होगा ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कहा। मैं जा रही हूँ प्रीता के रूम में आईना ढूंढने। खुद इतनी प्रिटी प्रिटी है तो उसके कमरे में तो आईना होगा ही ना? और फिर वो तैयार होती है मेरे करण के लिए। माता रानी करे इन दोनों का प्यार ऐसे ही हमेशा के लिए बरकरार रहे और बढ़ता रहे। और फिर मेरा करण और मेरी प्रीता वो दोनों मिलके मुझे एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया देंगे और फिर मैं दादी बन जाऊंगी, है ना करीना दी? दी? करीना दी, आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? करीना दी, 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 आपको यहाँ पे नींद आ गई? सो जाइए, कोई बात नहीं, आप थक गई होंगी ना सारा दिन। अच्छा, सो जा मेरी नन्ही गुड़िया, सियानी गुड़िया, सो जा। करण और प्रीता की गुड़िया आएगी, मैं दादी बनूंगी। अब तक तो वो भांग उसके दिमाग से गिर के उसके आंखों में उतर आया होगा। I'm very sure कि वो पक्का सो रहा होगा। Tasha, what's wrong with you? इतनी नेगेटिव बातें क्यों करती हो तुम? इसलिए तुम में से नेगेटिव वाइब्स आती हैं। पॉजिटिव बात किया करो। अगर आज के बाद एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से नेगेटिव सुना ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? वैसे भांग भांग नहीं होती, नशा नशा नहीं होता। भांग की वजह से आज मैं इस घर में हूँ। वैसे शर्लिन, तुम अपने जीत से काफी प्राउड फील करती होगी ना? आई मीन ऋषभ के साथ जो प्लान था वो तुम्हारा वर्कआउट कर गया, तुम जीत गई। वो विनिंग विनिंग वाली फीलिंग तुम्हें बड़ी अच्छी लगती होगी। ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। तुम्हें पता है मैं हारने वाली थी, जैसे कि आज तुम हारने वाली हो, लेकिन एक होली एक भांग का ग्लास और मैं इस घर में आज भी राज कर रही हूँ। बस तुम्हें भी यही करना है, करण को किसी भी तरीके से प्रीता के कमरे से बाहर निकालना है और अपने कमरे में लेकर जाना है। उसके साथ आज की रात बितानी है और फिर क्या, चाहे कुछ भी हो जाए, लूथरास को यही लगना चाहिए कि तुम और करण पूरी रात एक साथ एक ही कमरे में थे। तुम्हारे बीच में कुछ हो या ना हो, आई डोंट केयर, लेकिन जब लूथरास आएंगे तो तुम्हें एक्टिंग करनी है कि करण और तुम्हारे बीच में बहुत कुछ हुआ है, समझी तुम? दरवाजा भी बंद कर दिया, उसको अंदर ही छोड़ के आ गए। तुम इतने बेवकूफ हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता कि अंदर क्या हुआ है? क्या हमारा प्लान फ्लॉप हो गया है? सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन फिर क्या होगा अब शर्लिन? क्या होगा का क्या मतलब है? तुम ये प्रे करो कि करण को ये याद ना रहे कि उसके और प्रीता के बीच में क्या हुआ है। अगर याद भी रहे तो घर वालों को पता ना चले, अगर पता लग गया तो
तो क्या होगा? तो क्या होगा नताशा? करण और प्रीता पति पत्नी है, दोनों एक साथ एक ही कमरे में थे। इसका ये मतलब है कि करण की लाइफ में कोई भी लड़की नहीं आ सकती, तुम भी नहीं। और इसका ये मतलब है कि करण और प्रीता के दिल में एक दूसरे के लिए अभी भी प्यार है। और अगर पृथ्वी को पता चल गया तो? पृथ्वी को पता चल गया तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल कर फेंक देगा, क्योंकि तुम अब उसके कोई काम की नहीं। एक घाटे का सौदा, और घाटे के सौदे को कुछ ज्यादा दिन तक अपने सिर पे बिठा के नहीं रखता है। शलिन सुनो तो मेरी बात। और हवलदार, क्या हालचाल? सब ठीक? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको तुम छुपा रहे हो? अरे गम हो तेरे दादा चाचा भाऊ और ताऊ को, पर अगर वो अच्छे इंसान है ना, उनके सारे गम तुझे लग जाए। तू क्या मेरी खुशी का दुश्मन है क्या? सुन, लोगों का कहना है कि जब मैं मुस्कुराता हूँ ना, बड़ा क्यूट लगता हूँ। तो मुस्कुराने देना, खुश रहने देना, प्रॉब्लम क्या है? अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है? तो तू मेरी खुशी पे नजर मत लगा। लेकिन तुम इतना खुश है क्यों? अभी तक तुम्हारा बिल हुआ नहीं है, मतलब तुम्हारा बिल रिजेक्ट भी तो हो सकता है खारिज। ए हवलदार, तू ना सच में मेरी खुशी का दुश्मन है। सच सच बता, मुझे इस तरह इरिटेट करने के लिए किसी ने तुझे पैसे दिए? रिश्वत? रिश्वत की बात नहीं करने का इधर, समझा? अपने पास ये है, ये मालूम है क्या है? ये पुलिस का डंडा, ये पुलिस की वर्दी, और मेरे पास क्या है? पुलिस का पावर। मेरे पास क्या है पता है? नागरे। नागरे को नहीं जानता? नंबर वन लॉयर, मोस्ट पावरफुल लॉयर। जो गलत काम करते हैं ना, वो भी यूं थर थर कांपते हैं उससे। देखना वो आएगा, मेरी बेल करवा के मुझे यहां से बाहर ले जाएगा, और तुम सब देखते रह जाओगे। पुलिस का डंडा और पुलिस का पावर, देखते हैं। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, थोड़ा सा इंसाफ कर दो। डीआईजी साहब, रहम कीजिए, बेरहम कीजिए। हमारी कोई गलती नहीं थी, वो गई। कौन गई? अरे कार, वो अपने आप जाके दीवार में टकरा गई, और दीवार और कार में टर्शन हो गई। इंस्पेक्टर साहब, टर्शन हो गई। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माफ कीजिए, लेकिन दीवार को थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए था। जब उसे पता था कि कार गुस्से में है, तो दीवार को कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन उसने नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, जबकि कार ने दीवार पे लाइट भी मारी। जज साहब गौर कीजिए, वो लाइट दीवार पर पड़ी, लेकिन दीवार जिद पे खड़ी रही। दीवार को पता था कि कार आ रही है, वो वहीं के वहीं खड़ी रही, वो पीछे हटी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, उफ, ये दीवार का ईगो, अगर आज बीच में ना आता तो दीवार को चोट ना पहुंचती। अरे मेरे लाला की जान, कार में भी तो थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। उसका भी बेचारी का दिल टूट गया, और उसको भी बेचारी को थोड़ा बुरा लग गया यार। इसीलिए कार ने दीवार को ठोक दिया। That's all. Case solved. ये तुम्हारा नागरे? मुझे नहीं लगता ये तुम्हारा बेल करवा पाएगा। अरे बेल तो छोड़ो, मुझे डाउट है कि ये तुम्हारा केस भी लड़ पाएगा। देखो रास्ती घेतली से, मुझे लगता है इसको भी तुम्हारे साथ अंदर रहने का है। मैं बुलाता है ना अभी। ए ले गया, बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। चलो। अरे लेकिन केस तो सॉल्व किया ना। आप माफ कर दो, बहुत मिस किया साहब। तुमको बहुत याद कर रहे थे। अंदर आओ नागरे जी। इतना अपनापन है ना? अब अपनापन। हवलदार साहब, हाँ, अब इस आदमी को जानते हो क्या? अरे अपना पीएम। अरे किस देश का पीएम? मेरे पेपर्स कहाँ है? पेपर्स? मैंने पूछा मेरे पेपर्स कहाँ है? पेपर पेपर कौन से पेपर? कौन से पेपर्स? कौन से पेपर्स? जिस काम के लिए भेजा था तुम लोगों को, तुम लोग वो नहीं कर पाए मेरे बिजनेस पेपर्स चुराने के लिए, और अब तुम दोनों मुझसे ये पूछ रहे हो कि कौन से पेपर? ए, ये डिस्को है क्या? क्या चालू है तुम लोगों का?
शांति से बैठने का इधर बोल मारा इसे लगी जान उठ उठ तुझे क्या काम करने के लिए भेजा था मैंने मुझे लग रहा था तू मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा लेकिन तूने खुद अपनी हालत बना के तू यहाँ खुद अंदर आ गया अब तू मुझे बाहर कैसे निकालेगा ए, मुझे बाहर कैसे निकालेगा कैसे निकालेगा बाहर यादा नहीं हो पाया तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो सॉरी अरे तुम तो मुस्कुरा भी नहीं सकता है तुम अपना गम कैसा छिपाएगा कॉन्स्टेबल मेरा मूड बहुत खराब है प्लीज चले जाओ क्या बोला तुम तुमको अकेले रहने का अगर इतना ही शौक है ना तो अपने घर के बेडरूम में जाके रहने का ठीक है ये क्राइम करके तुम इधर काई को आया और आया तो आया तुम क्रिमिनल बन के नहीं आया मुसीबत बन के आया मेरा सरदर्द मैं क्या बोलता है ये बेल वेल का सपना देखना तुम छोड़ो मालूम है क्यों क्योंकि तुमको अभी इधर लंबा रहने का है मतलब बहुत लंबा समय और हाँ ये आदत डाल लो तुम मेरी बातें सुनने की जेल में कैसे आया अपन तो लूथरा हाउस में थे ना शिट हम तो पृथ्वी के पेपर लेने गए थे घर से यहां कैसे आ गए हे भगवान कहीं हम टाइम मशीन में बैठकर वापस यहाँ आ गए नहीं ये अगला दिन है मतलब कल होली थी जो कुछ हुआ वो कल हुआ आज नया दिन है समझे समझना समझाना हो गया तुम दोनों का अनबिलीवेबल मैंने तुम दोनों पे भरोसा किया एक प्लान बनाया प्लान बना के तुम दोनों को लूथरा हाउस में भेजा क्यों ताकि तुम दोनों मेरे बिजनेस पेपर्स चुरा सको इतना अच्छा प्लान करके दिया ये भी बताया कि अगर प्रीता हमारे रास्ते की रुकावट बने तो उसे किसी तरह बेहोश कर देना और तुम दोनों ने क्या किया उसे बेहोश करने के बदले खुद अपने होश गवा बैठे और यहां सलाखों के पीछे आ गए
पृथ्वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने जानबूझ के नहीं पी, एक्सीडेंटली हो गया। जाने अनजाने में माय फॉल्ट। अग्रिम, मैंने तुझ पे भरोसा किया, इतना भरोसा था तुझ पे कि तू मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा, और तू खुद यहाँ अंदर आ गया। कैसे निकालेगा, कैसे भरपाई करेगा मेरे नुकसान की? मेरे एब्सेंस में वहां लूथरा उसने अगर प्रीता ने कुछ गड़बड़ कर दी तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, सारे प्लान्स बर्बाद हो जाएंगे। कैसे निकलेंगे हम बाहर यहाँ से? तू भी अंदर आ गया, कैसे निकलेंगे, कैसे बता मुझे? पृथ्वी काम डाउन, मैं अपने असिस्टेंट को कॉल करता हूँ, वो हम तीनों को बाहर निकाल लेगा। नागरे, आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तूने इस बार कोई गड़बड़ की ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पृथ्वी नहीं होगी, मैं अभी इंस्पेक्टर से बात करता हूँ कि मुझे अपने असिस्टेंट को कॉल करनी है, हम तीनों को वो बाहर निकाल लेगा। हवलदार, अबे करण, कल रात को जो कुछ भी प्रीता उसके बारे में तो नहीं सोच रही? क्या सोच रही होगी, पत्नी है मेरी, हक है मेरा, हक 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 हक। क्या क्या बोल रहे हो तुम? ओह ओह,